नमस्कार दोस्तों, मैं रामकल्प यादव दोस्तों और प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करने वाला हूँ, हमारी गाय और भैंस को बच्चेदानी का इन्फेक्शन है, पुराना से पुराना, यानी कई महीने से उन्हें बच्चेदानी का इन्फेक्शन है और ठीक नहीं हो रही है। आप दवा भी डला दिए हैं, कई तरीके आजमा चुके हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और बार बार रिपीट कर रही है, यानी बार बार हीट में आ रही, गर्भवती नहीं ठहर रही है। आप बच्चेदानी का इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है, उसके पेशाब के रास्ते से फटाफटा सा उजला उजला चूना जैसा, दूध जैसा या दही जैसा निकलता रहता है। दूसरे दिन, तीसरे दिन सीमन कराने के बाद भी, सीमन कराने से पहले भी। तो इसके लिए हम आपको दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से एक देसी तरीका लेकर आया हूं, जो सब तरीके में काम आएगा, सभी बीमारियों में काम आएगा। बशर्ते उसके तरीके को किस तरह खिलाना है, क्या है, सारी चीजें वीडियो में बताना है। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें। तो दोस्तों ये जो तरीका हम आपको बताने वाला हूं, ये बच्चेदानी के इन्फेक्शन के खास कर है कि जो हमारे पशुपालक हैं उन्हें देखा जाता है कि उनके गाय भैंस के बच्चेदानी इन्फेक्शन होने के कारण वो परेशान हो जाते हैं और उनकी पशु बार बार रिपीट होती है, जो उसे छोड़ भी देते हैं, किसान भाई भगा देते हैं, किसान भाई को भी काफी नुकसान देखने को मिलता है, समय उनका खराब जाता है, बार बार रिपीट होती है। तो दोस्तों समय ना गंवाते हुए हम आते हैं मेन मुद्दे पर कि हमें क्या क्या खिलाना है। इसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले 100 ग्राम चीनी, 100 ग्राम चीनी। और दोस्तों आप ये देख रहे हैं, इसे कुंवर पाठा बोला जाता है, कहीं कहीं पर हमारे यहाँ तो एलोवेरा कहते हैं। तो एलोवेरा लगभग 4 लेना है आपको, जो डंठे आते हैं 4 डंठे, 4 डंठे को आपको चाहिए कि आग पे या गैस पर चिमटे से पकड़कर उसको भून लेना है, चिमटे से पकड़ कर भूनना है। कहां तक? जब तक हल्का हल्का कलर न बदले, यानी काला पड़ जाए, जो उसमें कांटे दिख रहे हैं वो भी धीरे धीरे जल जाने चाहिए, ताकि आपकी जो पशु है गाय भैंस उन्हें खाने में कोई दिक्कत न हो, आसानी से खा ले। तो उसको तावे पर भून लेना है 4, क्योंकि दोस्तों बच्चेदानी इन्फेक्शन होने के कारण हमें जो है इसकी डोज को बढ़ाना होगा, क्योंकि पुराना से पुराना अगर बच्चेदानी का इन्फेक्शन है तो उसके लिए इसका डोज हमें ज्यादा देना पड़ेगा, तभी जो है बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। तो उसके बाद क्या है, सेक लेना है। सेकने बाद जब आप सेकाई करेंगे, चाहे चूल्हे पर सेके चाहे गैस पर, तो उसमें जो कांटे हैं चारों तरफ सेक लेना है, तो कांटे चिटक चिटक करके वो जल जाएंगे। तो जलने के बाद आप उसे बर्तन में रख लें, फिर वो ठंडा हो जाता है। ठंडा जब हो जाता है तो उसमें जो 100 ग्राम चीनी है आप उसमें रख दीजिए। रखने के बाद जब उसे मिक्स कर लीजिए और उसको थोड़े छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए, ताकि आपकी गाय भैंस को खाने में कोई दिक्कत ना हो। जब छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, जब ठंडा पड़ जाता है, तब आप जो अपने पशु को खिला दें। ये खिलाना कितना दिन है, ये हम जो बता रहे हैं एक दिन का खुराक है, वो भी आप सुबह में खिला सकते हैं तो ठीक रहेगा। और उसके बाद आपको 7 दिन खिलाना है, 7 दिन के बाद जो है कोई भी इन्फेक्शन है, कोई भी बार बार रिपीट हो रही है, बार बार हीट में आ रही है, गर्भवती नहीं हो रही है, गर्भधारण नहीं कर रही, उसके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है आप लोग समझ में आ गया होगा।